नई दिल्ली के नारायणा विहार में इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने 21 जून को आभार मोदी के कैंपेन की जानकारी दी, जिसकी जानकारी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान। डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र ने कहा कि इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने दिल्ली की सभी सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर लाकर आगामी 21 जून को आभार मोदी कहने का फैसला किया है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का एक बहुत ही बड़ा फैसला है कि फ्री वैक्सीनेशन सभी राज्यों में लगाई जाए। ये 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु के लोगों के लिए फ्री होगी। मित्रों, इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने ये निर्णय लिया कि दिल्ली की सभी सामाजिक संगठन इकट्ठे होकर 21 तारीख को सुबह 10 से 11 बजे तक महत्वपूर्ण चौराहों पर, मेट्रो स्टेशंस के बाहर, रेड लाइट क्रॉसिंग्स पर हम प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे, जिस पर अंकित होगा कि मुझे कोरोना फ्री वैक्सीनेशन देने के लिए आभार मोदी जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आभार मोदी जी। 21 जून से देश के सभी नागरिकों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसलिए 21 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों, चौराहों एवं रेड लाइट क्रॉसिंग पर आभार मोदी कहने वाले प्ले कार्ड लेकर सभी सामाजिक संस्थाएं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करेंगी। इंद्रप्रस्थ संजीवनी दिल्ली में माननीय मोदी जी का आभार प्रकट कर रही है, क्योंकि 21 तारीख को ही केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों में निशुल्क वैक्सीन दी जा रही है। दिल्ली की सभी सड़कों की रेड लाइट्स पर, चौराहों पर, बाजारों में, मेट्रो स्टेशंस के बाहर हमारे स्वयंसेवक सब खड़े होके हाथ में प्ले कार्ड्स लेके माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करेंगे। 21 जून आभार मोदी के नाम से हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कि पूरी दिल्ली में 10 से 11 के बीच दिल्ली की जितने भी चौराहे हैं या मेन मेट्रो स्टेशंस हैं या बाजार हैं, हमारी संस्था के लोग वहाँ खड़े रहेंगे और प्ले कार्ड्स होंगे सबके हाथ में, और हम लोग मोदी जी जो उन्होंने 21 जून को जो वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो हम देख रहे हैं कि अन्न के लिए भी वो इतना दान करने जा रहे हैं। 21 जून को हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एक आभार प्रकट कर रहे हैं। हमने देखा होगा पहले सारे न्यूज़पेपर्स में कि जितने स्टेट थे वो सारे कह रहे थे कि हमें वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है या क्या हमें अलग अलग लेनी पड़ रही है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया कि 21 जून से करीब 74 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस को बांटा जाएगा। तो इसी संदर्भ में इंडिया को कोरोना मुक्त करने के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, उसी के लिए हम आभार व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके बारे में डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि पीएम ने 18 से 44 वर्ष की आयु सीमा वाले लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन फ्री कर उन गरीब भाई बहनों पर बड़ा उपकार किया है जो टीके लगाने के लिए पैसे खर्च करने में असमर्थ हैं। वे प्रधानमंत्री के दिल से आभारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द डेली टुडे न्यूज़।